डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण पर लगे पॉक्सो एक्ट को लेकर रोहतक में पीड़ित लड़की की चाचा का बयान सामने आया है। चाचा का कहना है कि मेरी भतीजी नाबालिग नहीं है, वो 20 साल की है। मेरे भाई को भतीजी को बहलाकर पॉक्सो एक्ट के मामला में दर्ज कराया गया है। वह इसके लिए भतीजी के फर्जी दस्तावेज बदलकर सारा मामला दर्ज किया गया है। जिन पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है उसके पीछे और किसी की साजिश चल रही है। जो लड़की 19 साल की है, 19.5 साल की, उसको बनाया जाता है 16 साल का, तो ये क्या गलत नहीं है क्या? या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती जिस बच्ची को हम, वो तो मैं नहीं बोल रहा, अखाड़े भी हैं और कोच भी होंगे वो हमारी कितनी पर, और अविनेश फोगाट के आंसू दिख रहे हैं भैया, मैं सामने भी नहीं आता लेकिन लोग मेरे घर पे चलो मेरे माँ के आंसू देखो जाके, उसकी दादी की, उसका क्या हाल हो रहा है, क्यों भाई, किस लिए हम किसी, मतलब ये राजनेता अपनी राजनीति कर रहे हैं, अखाड़े वाले अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो महावीर अकेडमी वाला, तो हम मतलब अपनी माना मार जाए, या वो आज बच्ची है, छोटी बच्ची, अगर कोई यहाँ अभी है नहीं, कोई छोटी बच्ची है, उसको किसी चीज का पता नहीं, लेकिन घर में कोई तो किसी का तो जमीर ऐसा जिंदा हो कि सच्चाई को सामने रखे।